जज सेफ नहीं है, सोचो इंडिया में, और बहुत बड़ी बात है, एक जज के साथ क्राइम हो रहा है। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज इम्पोर्टेंट बात करेंगे, इससे आपको भी सीख मिलती है कि आपको किसी के झांसे में नहीं आना चाहिए। जज सेफ नहीं है, सोचो इंडिया में, और बहुत बड़ी बात है, एक जज के साथ क्राइम हो रहा है, तो पुलिस को इसके लिए कुछ करना भी चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना चाहिए, और पूरी डिटेल में बात तो करेंगे। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी थी, अगर आपने RGS का फॉर्म भरा है तो अभी परसों एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया था, दो नोटिफिकेशन आए थे। इस वीडियो में भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वीडियो बना चुका हूँ, कल के वीडियो में ही बताया है मैंने, और उसमें ये भी बताया कि वैकेंसी टाइम, मतलब जो एग्ज़ाम है, टाइमली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर देखा नहीं हो वीडियो तो देख लो जाके, और इस वीडियो में भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, 30 तारीख लास्ट डेट बताई है। उसमें दो चीज़ का नोटिफिकेशन आया है, डुप्लीकेट फॉर्म जिन्होंने, मतलब दो फॉर्म जिन्होंने भरे थे, एक फॉर्म डिलीट कर दिया है हाईकोर्ट ने, ऑनरेबल हाईकोर्ट राजस्थान ने, और एक एप्लीकेशन रखी है। और दूसरा नोटिफिकेशन ये था, किसी की फ़ोटो विजिबल नहीं है, किसी के साइन विजिबल नहीं है, किसी की आईडी विजिबल नहीं है, तो उन्होंने डिमांड करी है, लिस्ट डाली है बच्चों के, बच्चों का नाम है, फादर नेम है, और क्या चाहिए, फ़ोटो चाहिए उनको, सिग्नेचर चाहिए या आईडी चाहिए, आईडी की फ्रंट और बैक दोनों अपलोड करनी है, मेल करना है आपको, 30 तारीख लास्ट डेट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जाके तो देख लो, अगर आपने नहीं किया टाइमली अपलोड तो आप पेपर नहीं दे पाओगे, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी। तो बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि चैनल की इतनी ज़्यादा रीच है नहीं, तो हर किसी बच्चों को पता नहीं चल पाता, इसलिए हर वीडियो में बोल रहा हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लो। कई बच्चों को लगता है कि सर हर वीडियो में बोल रहे हो आप, आपको तो पता चल गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं इनको नहीं पता होता, मेरे पास मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे, इसलिए मुझे आइडिया रहता है, इसलिए हर वीडियो में बोलना जरूरी है। देखो अब ये मैं इस वीडियो में ये भी बात करूँगा, सिविल जज को राजस्थान में क्या सिक्योरिटी मिलती है और कहाँ कहाँ गनमैन मिलता है, तो सारी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले इस न्यूज़ को देखो आप, ये महाराष्ट्र की लिखी हुई है, जज की DP लगा दूसरे जज से ठगे 50,000 रुपये, पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क, पत्रिका.com, ठीक है। मुंबई साइबर अपराध के एक मामले में अपराधियों ने व्हाट्सएप पर बॉम्बे हाईकोर्ट के एक जज की फ़ोटो की DP लगाकर सोलापुर के जिला जज से 50,000 रुपये ठग लिए। मुंबई पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार जिला जज से एक व्हाट्सएप संदेश में 50,000 रुपये मांगे गए। DP पर हाईकोर्ट जज की फोटो लगी होने से जिला जज ने बिना सत्यापन किए रुपए भेज दिए। बाद में और रुपए मांगने पर जिला जज को शक हुआ, उन्होंने हाईकोर्ट रजिस्ट्री को जानकारी दी, पता चला कि जज ने कोई मांग नहीं की। पुलिस मामले की जांच कर रही है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता न्यूज़ की, बट ये पत्रिका न्यूज़ बड़ा नेटवर्क है तो उसमें ये आया, और जो महाराष्ट्र के होंगे उनको पता होगा इसके बारे में क्योंकि अखबार वगैरह पढ़ते होंगे। तो सोचो जज के साथ ऐसे बड़े अपराध हो रहे हैं, साइबर अपराध तो इतने बढ़ गए इंडिया में, गवर्नमेंट को इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। वीडियो कॉल आते हैं लड़कियों के, फंसा लेते हैं, फिर ब्लैकमेल होते हैं। और अभी आपने कुछ दिन पहले दैनिक भास्कर की न्यूज़ देखी होगी, उसमें नितिन मीना लिखा हुआ था और फेक रेप केस का मामला था वो, अगर उसकी न्यूज़ मिलेगी तो मैं लगा दूंगा, फेक केस का मामला था। और फिर बच्चों को लगा कि सर ये आप हो क्या, मेरा नाम भी नितिन मीना है, मैं भी जयपुर से हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, और जिसने कंप्लेन करी थी उस लड़की के खिलाफ, वो उसका नाम जो वकील था वो नितिन मीना ही था, और लड़की ने उसको ही फंसाया था, पैसे लिए थे, बट वो मैं नहीं था नितिन मीना, कोई और नितिन मीना था, तो मैं इसको पुष्टि कर देता हूँ कि वो मैं नहीं था। एक नाम से बहुत लोग होता है, ऊपर से उसका सरनेम भी मीना, ऊपर से वो भी एडवोकेट, वो भी जयपुर में प्रैक्टिस करता सेशन कोर्ट में, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया। और मेरे को फ़ोन भी आया दिल्ली से, किसी मैडम का एक्टिविस्ट थी, मुझे समझ नहीं आया पहले कि क्या हो रहा है ये, तो मैंने उनको मना कर दिया कि मैं रेप के केस डील नहीं करता, तो मैंने उनको मना कर दिया। मैं भी एडवोकेट हूँ, क्रिमिनल केस देखता हूँ, बट रेप के केस मैं नहीं देखता और मर्डर के केस भी नहीं देखता, तो मैं मना कर देता हूँ अगर ऐसा कोई आता है तो। तो फिर मुझे समझ में नहीं आया, फिर इंस्टाग्राम पे भी मेरे को जो मेरे फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर, उन्होंने मैसेज किया सर ये आप ही हो क्या, तो फिर मैंने देखा कि न्यूज़ क्या है। तो आजकल देखो क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं, तो आपको ही सतर्क रहना पड़ेगा और किसी के झांसे में नहीं आने चाहिए, और सब चीज़ को नाप तोल के बात करो, नाप तोल के देखो और समझो, तभी आगे बढ़ो। पूरा देखो शक की गुंजाइश हर चीज़ में छोड़ा करो। मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी से लेन देन कर रहे हो पैसों की मोटी रकम, तो लिखा पढ़ी करो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे भाई हो, सगा भाई क्यों ना हो, माँ बाप को बख्श दो, मोटी रकम का लिखा पढ़ी करो, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उस पर ध्यान दो।
और किसी फेक कॉल आए उस पर ध्यान मत दिया करो। अब बात आती है कि राजस्थान में क्या सिक्योरिटी मिलती है। राजस्थान में गनमैन तो मिलता नहीं है सिविल जज को, जूनियर डिवीजन की बात कर रहा हूँ। देखो हायर की क्या है, सबसे बड़े हायर की समझो, जेएम सेकंड की पोस्ट है नहीं, जेएम फर्स्ट क्लास की पोस्ट है, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती। और मतलब मैं पीएसओ की बात कर रहा हूँ, गनमैन की बात कर रहा हूँ। फिर एसीजेएम रैंक आती है, फिर सीजेएम रैंक आती है। सीजेएम साहब को एक खाकी वर्दी और ट्रैफिक पुलिस वाले मिलता है, गाड़ी भी मिलती है, गनमैन नहीं देखा मैंने और गनमैन नहीं मिलता, मतलब सिक्योरिटी नहीं मिलती। ट्रैफिक पुलिस वाला और एक खाकी वर्दी वाला रहता है उनके साथ, और वॉकी टॉकी भी होता है उनके पास। एडीजे साहब को भी नहीं मिलती, कोर्ट पे डिपेंड करता है, मैं जनरली बता रहा हूँ। और प्रिंसिपल डीजे साहब को मिलती है सिक्योरिटी, प्रॉपर सिक्योरिटी मिलती है। और देखो अभी हमारे घर के पास नए प्रिंसिपल डीजे बने होंगे वो कहीं के, तो पूरी बकायदा टेंट वेंट, पुलिस वाले, गनमैन सब खड़े रहते हैं। और हाईकोर्ट जज का मकान भी है मेरे घर के पास, गणेश नाम मीना जी है ना, उनका घर यहीं पर है मेरे घर के पास। वो शायद यहाँ रहते नहीं है, पर उनका पर्सनल घर होगा, उनको तो बंगलो मिला होगा, पर यहाँ पे भी सिक्योरिटी है उनके घर पे। और कभी हो सकेगा तो वीडियो बना के बता दूंगा, इसलिए नहीं बनाता क्योंकि किसी का घर क्यों दिखाना, तो मेरे घर के पास ही है उनका घर, तो उनको भी सिक्योरिटी मिलती है। हाईकोर्ट जज को, प्रिंसिपल डीजे साहब को ही मिलती है। अब बात आती है जो एसीबी कोर्ट होते हैं, जो सीरियस मतलब ये टेररिज्म वाले कोर्ट होते हैं, उनमें भी सिक्योरिटी अलॉट हो जाती है। हाईकोर्ट परमिशन दे देता है, गवर्नमेंट के थ्रू सिक्योरिटी अलॉट हो जाती है, बट जनरली सिक्योरिटी नहीं मिलती। बट घर के लिए जहाँ तीन कोर्ट है और वहाँ पे तीन अधिकारी है, वहाँ 24 घंटे होमगार्ड रहता है, नाइट में भी रहता है, दिन में भी रहता है, ये सिक्योरिटी मिल गई है। अभी गनमैन पे भी बात चल रही है और फ्यूचर में हो सकेगा गनमैन भी मिल जाएगा। हरियाणा में गनमैन मिलता है, पंजाब में गनमैन मिलता है, बिहार में भी कई एरियों में गनमैन मिलता है, छत्तीसगढ़ में भी कई एरियों में गनमैन मिलता है, और वेस्ट बंगाल में भी गनमैन मिलता है। क्योंकि मैंने इन सब स्टेटों के सिविल जज से बात करी है, उनसे पता चला है मुझे, तब जाके मैं वीडियो बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने वीडियो बना रखा है इन सब पे कि उनको क्या फैसिलिटी सैलरी मिलती है। तो इन स्टेटों में गनमैन मिलते हैं, हर स्टेटों में नहीं है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है केस, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तो ऑल ओवर इंडिया में सिक्योरिटी मिलने लग जाएगी। जैसे आपको पता है सेकेंड जुडिशियल पे कमीशन के कारण ऑल ओवर इंडिया सेम सैलरी हो गई, सेकेंड जुडिशियल पे कमीशन के कारण ऑल इंडिया सेम फैसिलिटी हो गई। अब आपको देखो ड्राइवर के पैसे मिलेंगे, गाड़ी मेंटेन करने के पैसे मिलेंगे, डोमेस्टिक हेल्पर के पैसे मिलेंगे, अलाउंसेस अगर आपको घर में सर्वेंट नहीं मिल रहा, बहुत सारी चीज़ें मिली है, एसी का पैसा मिलेगा, पेट्रोल के पैसे भी बढ़ा दिए, घर का एरिया भी बढ़ा दिया, एजुकेशन मतलब चाइल्ड केयर अलाउंसेस भी मिलेंगे, और होम लोन की मतलब कुछ लोन का फैसिलिटी, बहुत सारी फैसिलिटी दी है। और ऐसी सुविधा किसी और नौकरी में नहीं है सरकारी में, और बहुत कुछ दिया है। मैंने डिटेल में वीडियो ना रखा है, देखा नहीं है तो देख लो चैनल पर जाके, सिविल जज की फैसिलिटी सैलरी क्या मिलती है, ऑफिशियल सैलरी स्लिप लगा रखी है, डीजे साहब की ऑफिशियल सैलरी स्लिप लगा रखी है, देखो जाके। ये न्यूज़ बताना इसलिए ज़रूरी था, आजकल क्राइम बहुत हो रहा है, जज भी सेफ नहीं है तो सोचो आप कहाँ होंगे, और वो तो जज है इसलिए एक्शन भी हो जाएगा, पुलिस थोड़ी इंक्वायरी भी तेज करेगी। आम जनता के लिए दिक्कत होती है, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, बट फिर भी सतर्क रहो। और मेरा नाम नहीं था इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के, तो इसलिए भी मैंने वीडियो बनाया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, बताता हूँ। सिविल जज की लाइफस्टाइल भी देखनी है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल पे व्लॉग भी आते हैं सिविल जज के, एडवोकेट के व्लॉग भी आते हैं, कभी मैं कोर्ट जाता हूँ तो दिखाता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप देखो जाके वीडियो, अच्छा लगे चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो।